एक गरीब पिता ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाने का फैसला कर लिया था। पिता दिन रात मेहनत करता और अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाता। बेटा भी खूब मन लगाकर पढ़ता। एक दिन पिता का सपना सच हो गया। बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया, जिसमें वह बहुत सफल हो गया। एक दिन बेटा अपने बड़े और आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके पिता उसका ऑफिस देखने आए। बेटा अपने ऑफिस की शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ था। पिता को देख बेटा खुश हो गया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। पिता ने बेटे को कुर्सी पर बैठाया और बेटे के पीछे खड़े हो गए और उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें पता है कि आज इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान का एहसास किसे होता होगा? पिता आगे कुछ और बोल पाते तभी बेटे ने कहा, पिताजी मैं हूँ सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता ने सोचा था कि बेटा उन्हें ही सबसे शक्तिशाली कहेगा, लेकिन बेटे के इस जवाब से उन्हें बहुत निराशा हुई। ठीक कहा बेटा, इतना कहते ही पिता अपने बेटे के ऑफिस से जाने ही लगे थे कि एक बार और पीछे मुड़कर वही सवाल बेटे से किया, बेटा तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो आप है, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। पिता ने फिर पूछा, हाँ वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के हाथ मेरे कंधे पर थे, इसलिए उस वक्त मैं खुद को सबसे शक्तिशाली महसूस कर रहा था। बेटे ने ये जवाब दिया। ये सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। माता पिता हमारे जीवन का आधार है। यदि उनका आशीर्वाद है तो हम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं, इसलिए हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके दिए सुझाव को गंभीरता से लेना चाहिए।